जो कई साल से परंपरा चली आ रही है, इसमें क्या प्रोग्राम रहेगा और क्या जो व्यवस्था की गई है लोगों के लिए? गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है, पिछले 50-60 सालों से लगातार यहाँ मनाया जा रहा है और इस बार भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसको मनाया जा रहा है। तकरीबन पूरे प्रदेश से ही लोग यहाँ पर आते हैं और सबके सहयोग से प्रोग्राम मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे ही समुदाय के लोग अपने बढ़ चढ़ के जो है इसमें योगदान देते हैं और इसको परंपरा को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो अभी इस मौके पे जो है रात में कीर्तन जत्थे जो हैं हमारे लखनऊ के प्रसिद्ध कीर्तनी जत्थे आ रहे हैं, उसमें भाई वीर सिंह, भाई राजेंद्र सिंह और भाई तजेंद्र सिंह जी उसमें गुरबाणी गायन करेंगे। और उसके बाद जो है लंगर की व्यवस्था है, लंगर वितरित होगा। ऐसे ही सेम ये प्रोग्राम जो है कल तक है, जो कल 3 बजे तक किया जाएगा, इसको संचालित किया जाएगा। इसमें कितने लोगों के आने की संभावना है? हजारों की तादाद में है, 1500-2000 लोगों का इसमें आना होता है, और भी प्रदेश से काफ़ी लोग आते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज के लिए? भाईचारे का ही मैसेज है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने भी भाईचारे की शिक्षा दी है और हम भी प्रदेश में प्रदेशवासियों से यही अपील करते हैं कि वो भाईचारे के साथ रहें और सबको मिलजुल के जो संदेश है हमारे गुरु साहब का उसी को आगे बढ़ाते हैं कि मिलकर रहना चाहिए सबको इस प्रदेश में। लखनऊ में पिछले दिनों CAA के विरोध में विशेष समुदाय के लोगों ने या अन्य लोगों ने मिलकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया था, उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि लोगों को समझना चाहिए कि पहले CAA है क्या, NRC है क्या। मैं समझता हूँ कि 70% लोगों को पता ही नहीं कि CAA है क्या और NRC क्या है, तो बिना सोच के या समझे उसको जो है इस तरह से टूल दे देना और उसका विरोध करना, मैं समझता ठीक नहीं। विरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध का एक तरीका होता है, ना कि हम अपने ही देश में रहने वाली रह रहे हैं और अपने ही देश की प्रॉपर्टी को हम नुकसान पहुंचाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आपसी सद्भाव से कुछ बातें हैं जो बैठ के भी सुलटाई जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं। सरकार को अपना मैसेज देना है तो वो दूसरे भी तरीके, यही नहीं कि वायलेंस करके या उसका नुकसान करके उसको मैसेज दिया जाए। गंध देव चलत मोहे सा।